माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 8, एयर अराउंड अस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, नो व्हाई वी नीड एयर। हम इस लेसन में जानेंगे कि हमें एयर की, हवा की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फाइंड आउट व्हाट एयर कैन डू, हम ढूंढेंगे कि एयर, हवा क्या क्या कर सकती है। लिस्ट द क्वालिटीज़ ऑफ एयर, एयर की योग्यता जो है, क्वालिटीज़ जो है उसकी लिस्ट के बारे में जानेंगे। वार्म अप, व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्लो द कैंडल्स ऑन योर बर्थडे केक। जब आप अपने बर्थडे केक पे जो कैंडल्स लगी होती हैं उसको ब्लो करते हो तब क्या होता है। एयर अराउंड अस, एयर मीन्स हवा, अराउंड चारों ओर, अस हमारे चारों ओर क्या है, हवा है। एयर इज ऑल अराउंड अस, इट इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा जो है बेटा वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, बेटा फास्ट मूविंग एयर कॉल्ड इज विंड, ठीक है। एंड जब स्लो एयर मूव करती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीज। ओके बेटा, वी नीड एयर टू ब्रीथ, हमें सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एयर की। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू लीव। प्लांट्स और एनिमल्स, पेड़ पौधे और जानवरों को भी ज़रूरत होती है एयर की जिंदा रहने के लिए। आवर प्लैनेट अर्थ हैज लाइफ ऑन इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। अर्थ प्लैनेट बेटा, अर्थ ही एक प्लैनेट ऐसा है जिस पे लाइफ है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की वजह से हम लोग जिंदा हैं। नेक्स्ट पेज, एयर, व्हाट एयर कैन डू, एयर क्या कर सकती है। एयर कैन मूव ऑब्जेक्ट्स, एयर जो है ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकती है। जैसे इस पिक्चर में देखिए बेटा, विंडो ओपन है और यहाँ पे पेपर्स रखे हुए हैं, कर्टन हवा में उड़ रहा है जिसकी वजह से ये पेपर भी अपनी जगह से हट गए हैं, ठीक है ना बेटा। एयर कैन कैरी साउंड एंड डिफरेंट स्मेल टू प्लेस अराउंड इट, बेटा हवा से, हवा क्या कैरी करती है, साउंड, आवाज़ एंड डिफरेंट स्मेल्स। स्मेल्स जब खाना बनता है, मम्मा खाना बनाते हैं तो आपको किससे स्मेल पता लगता है ना कि आज मम्मा ने क्या बनाया है, बाहर तक स्मेल आती है ना, वो किससे आती है, हवा की वजह से, ठीक है ना बेटा। हवा की वजह से हमें क्या पता लगता है कि आज मम्मा ने क्या खाना बनाया है, वो हम किससे पता करते हैं, हमारी स्मेल से, ठीक है। और साउंड भी जो है, जिस तरफ की हवा होती है उस तरफ साउंड ज़्यादा सुनाई देता है हमें, ठीक है बेटा। एयर कैन नॉट बी सीन, हवा को हम कभी देख नहीं सकते। यू कैन फील एयर, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। व्हेन यू ट्रैवल इन अ व्हीकल और ब्लो इनटू योर हैंड्स, जब हम ट्रैवल करते हैं, अब इस पिक्चर में देखिए, ये गर्ल अपने पापा के साथ स्कूटर पे ट्रैवल कर रहे हैं। अब ट्रैवल करने से इनके हेयर्स, इनके क्लॉथ्स सब क्या हो रहे हैं, ब्लो हो रहे हैं ना, है ना, तो वही है ब्लो इनटू योर हैंड्स, हमारे हैंड्स भी यूं लगता है जैसे उड़ रहे हैं, है ना बेटा। क्वालिटीज़ ऑफ एयर, एयर की क्वालिटीज़ मतलब बेटा उसकी विशेषता क्या है, उसकी योग्यता क्या है कि एयर क्या क्या कर सकती है। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को देख नहीं सकते। वी कैन ओनली फील इट, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया है, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्विच ऑन द फैन वी फील एयर। ये देखिए,
ये गर्ल हैं, बैठे हैं और इनके सामने टेबल फैन लगा हुआ है जिसमें से हवा आ रही है और वो उस हवा को फील कर रहे हैं, है ना। एयर टेक्स अप स्पेस, हवा जो है स्पेस भी लेती है, ठीक है। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ब्लो एयर इनटू अ बलून, बलून के अंदर अगर हम एयर ब्लो करते हैं देन क्या होता है, इट ग्रोज इन साइज, वो अपने साइज से बड़ा हो जाता है। दिस शोज दैट एयर टेक्स अप स्पेस, जो दिखाता है, क्या दिखाता है कि एयर जो है स्पेस भी लेती है, ठीक है बेटा। एयर हैज वेट, एयर के अंदर वेट भी होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू लर्न दैट एयर हैज वेट। अब यहाँ पे वन एक्टिविटी है बेटा जिससे हम जानेंगे, जिससे हम सीखेंगे कि एयर जो है, एयर जो, एयर के पास क्या है, वेट भी है। टेक थ्री बलून्स ऑफ द सेम स्पेस एंड साइज, आपको क्या करना है, थ्री बलून्स लेने हैं जिसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। ब्लो एयर इनटू वन ऑफ देम, आप क्या करोगे, एयर ब्लो करोगे एक में, ठीक है। नेक्स्ट फेज, नाउ डू द सेम फॉर द सेकंड बलून बट ब्लो सम मोर एयर इनटू इट एज कंपेयर्ड टू द फर्स्ट वन। बेटा उसमें क्या करना है, जैसे ये फर्स्ट बलून है, ये सेकंड बलून है, सेकंड बलून में आपको फर्स्ट बलून से थोड़ी सी ज़्यादा एयर डालनी है, एयर ब्लो करनी है फर्स्ट बलून के कंपैरिजन में। फिल द थर्ड बलून विद एज मच एयर एज इट कैन होल्ड, नाउ यू हैव थ्री बलून्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। थर्ड बैलून में बेटा आपको उतनी हवा डालनी है जितनी वो होल्ड कर सकता है, मतलब आपको फुल ब्लो करना है। नाउ अब आप देखेंगे थ्री बलून्स के जो साइज हैं वो डिफरेंट है, फर्स्ट बलून, सेकंड बलून एंड थर्ड बलून, ओके बेटा। अब तीनों के साइज क्या हैं, तीनों के साइजेस डिफरेंट हैं, है ना बेटा। नोट देयर वेट, अब आप इन तीनों के वेट नोट करेंगे तब आप क्या पाओगे, यू विल सी दैट द बिगेस्ट बैलून इज द हैवीएस्ट, जो बिगेस्ट बैलून है वो हैवीएस्ट है एंड द स्मॉलेस्ट वन इज द लाइटेस्ट, जो स्मॉलेस्ट है बलून वो लाइट वेट का है। दस एयर हैज वेट, अब इससे हमें पता लगता है कि एयर का वेट होता है, ओके बेटा। चेक पॉइंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, एयर कैन एंड एयर कैन नॉट मूव ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें आपने ये करना है, एयर कैन और एयर कैन नॉट मूव ऑब्जेक्ट्स, आपको टिक करना है कि विच वन इज राइट। एयर हैज साइज वेट, एयर, एयर साइज, एयर के पास साइज है, वेट है, कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना है, ओके बेटा। एंड पिक्चर स्टडी, राइट टू लाइंस अबाउट द गिवन पिक्चर, आपको टू लाइंस राइट करनी है जो पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स इस पिक्चर में क्या है, वन बॉय क्या कर रहे हैं, काइट फ्लाई कर रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे
A boy is flying a kite. And second line में क्या लिखेंगे? It is a windy day. क्योंकि जब हवा होगी तभी तो हम kite को fly कर पाएंगे ना. तो जिस दिन हवा चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? Windy day. Okay बेटा, new words. न्यू वर्ड्स बेटा मिक्सचर, कंबिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स. व्हीकल, समथिंग दैट इज यूज टू मूव पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वेट, अ मेजर ऑफ द हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कंपेयर, to see how something is different from other. Hold, carry, heaviest, the most in weight. Lightest, the least in weight. Okay? आपको ये lesson full read करना है, ठीक है my dear students? Thank you. Have a nice day.